दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त इमरान अली, और लेकर आ गया हूँ फिर से एक नई वीडियो जिसमें आज हम सीखेंगे कि योयो ऐप के नए वर्जन में बॉक्स कैसे लूटे। मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ जिसपे ओल्ड वर्जन में, लेकिन उसमें भी कुछ रिक्वेस्ट आई थी कि नए वर्जन में एक नया वीडियो बनाए, तो मैं आज नए ऑटो क्लिकर से वीडियो बनाऊँगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ, पूरा प्रोसेस बताऊँगा ए टू जेड, और कैसे सेटिंग करना है, कहाँ पॉइंटर सेट करना है, उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर आराम से लूट पाएंगे। वैसे मैं लूटना छोड़ती हूँ दोस्तों, लेकिन आपके रिक्वेस्ट पे आज फिर से कोशिश करूँगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें प्ले स्टोर में सर्च करना है ऑटो क्लिकर। दोस्तों फर्स्ट वाले की तो मैं सेटिंग बता चुका हूँ एक वीडियो में पहले भी, ऑटो क्लिकर 2020 का। इस बार मैं बनाऊँगा क्विक टच ऑटो क्लिकर से तीसरे नंबर पर जो है। चलिए इसकी सेटिंग जान लेते हैं। आप इंस्टॉल कर लेना, मेरे में तो ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मैं इसकी सेटिंग बता देता हूँ। जब ऑटो क्लिकर को ऑन करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा, तो इसको करें और यहाँ से सेटिंग में जाएं। दोस्तों यहाँ सबको आपको 25-25 मिलेगा, इसको सबसे पहले फर्स्ट वाले को 0 कर दें, सेकंड वाले को भी 0 कर दें। एंड थर्ड वाले को आपको रखना है अपने फोन की रैम के हिसाब से, जैसे बताता हूँ। जैसे आपके फोन की रैम 1 से 2 GB है, तो आपको यहाँ पर 1 मिली सेकेंड का पॉइंटर सेट करना है, और आपकी 2 से 4 GB रैम है तो 2 मिलीसेकंड का पॉइंटर सेट करना है, और 6 से 8 GB रैम में 4 मिलीसेकंड का। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 2 मिलीसेकंड का रखें, कोई सा भी फ़ोन हो, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। दोस्तों सेटिंग को ध्यान से देखना, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये रहेगा, और दूसरा आपके फ़ोन का नेटवर्क। नेटवर्क जितना ज़्यादा अच्छा रहेगा उतना अच्छा लूट पाएंगे। सबसे पहले मल्टी टारगेट मोड को ऑन करेंगे, बाकी सारी सेटिंग तो हम पहले ही कर चुके हैं, और चलते हैं योयो के अंदर। पहले मल्टी टारगेट से आपको लूटना सीखना चाहिए, योयो के अंदर जरूर देखिएगा। और दोस्तों योयो फ्रेम और एंट्री एकदम फ्री में, क्योंकि नहीं देखिए तो प्लीज़ वीडियो देखिए, ताकि आप भी वहाँ से बहुत सारे फ्रेम, टेक्स्ट बबल और एंट्री ले सकें। यहाँ सबसे पहले उसने एलपी लगा दिया, एलपी लूट लेते हैं, 2 कॉइंस मिल गया। और सबसे पहले हमको क्या करना है कि वो नीचे जो बॉक्स बन के आ रहा है ना, उस बॉक्स को टच करना है, और ये क्राउन के पास हमको एक पॉइंटर रखना है। पॉइंटर कैसे आएगा, हम प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे ना तो पॉइंटर निकल के आएगा, उसको क्राउन के पास में रखना है। और सेटिंग तो सारी ओके, फिर यहाँ सेटिंग वाले आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर इसको सेव कर देना है। तो चलिए लूटना शुरू करते हैं। दोस्तों लूटते समय कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, जैसे हमको पॉइंटर कहाँ सेट करना है। तो जैसे हम लोग ये एंट्री करते हैं ना, ब्लू लाइन दिख रही है, यहाँ पॉइंटर सेट करना है, ना कि ये डाइस रोल खेल रहे हैं यहाँ पर नहीं सेट करना है। अगर दोस्तों आपका पॉइंटर ठीक जगह सेट नहीं हुआ ना, तो किसी की भी प्रोफाइल खुल जाएगी और बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाएगी, आपका फ़ोन भी हैंग हो सकता है। तो इसलिए ध्यान से देखना है मैं कहाँ सेट कर रहा हूँ, आपको वहीं पर सेट करना है। तो दोस्तों बॉक्स ओपन होने वाला है 7, 6, 5। दोस्तों आपको 5 पे प्ले बटन को ऑन कर देना है, तो ये खुद गेट कर लेगा। उसके बाद गेट हो गया, उसके बाद ऑफ कर देना है वहाँ से, ठीक है। हाँ, मैं एक बार आपको फिर से बता दूँ दोस्तों, आपका पॉइंटर ठीक जगह रखना, जैसे मैंने रखा है उसी को कॉपी करना, वरना आपके किसी की भी प्रोफाइल ओपन हो गई ना, तो आपका फ़ोन हैंग कर जाएगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं मैंने क्या लूटा। यहाँ मैं अपने दोस्त की आईडी से लूट रहा हूँ, और ये मुझे मिल गए कॉइंस। देखिए मेरी आईडी, ये मेरे दोस्त की आईडी है, और कितना कॉइंस मिला है मुझे चेक करते हैं। तो कुछ इसी तरह आप भी लूटना तो आपको ज़रूर मिलेगा।
बस ध्यान रखना कि आपका पॉइंटर थ्री जगहों में लास्ट में कैसे दूंगा उसी के अकॉर्डिंग रखना है। ध्यान से देखो दोस्तों, मेरे पॉइंटर के नीचे ना तो किसी की डीपी है ना किसी ने डाइस रोल खेला है उसके। मेरे पॉइंटर के नीचे सिर्फ जो एंट्री करते हैं ना उनके नाम रहना चाहिए, तो ऐसे किसी की डीपी ओपन नहीं होगी और हमारे फोन में प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। और ये मेरी योयो की आईडी है। अगर अभी तक आपने मुझे योयो पे फॉलो नहीं किया तो योयो पे फॉलो भी कर लें।